Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी एंड आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होंगे बिकॉज अगर आप बीच में गैप ले लेंगे तो आप जितना भी आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सारा आप भूल जाएंगे. सो प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए एंड रिविजन मत छोड़िएगा. लगातार जो भी आपको टाइम मिलता है बीच में, जो भी आप पूरे वीक में पढ़ते हैं, कोशिश करिए कि उसको सैटरडे या फिर संडे को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप रिवाइज जरूर कर लें. तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दैट इज फॉर पेपर वन एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन. ये टॉपिक वैसे तो स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता है बट कुछ रिसेंट पास्ट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि वो कुछ ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. तो जून 2020 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं. इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आज आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दैट हम लगातार सेशंस अपने कंडक्ट करते रहेंगे टिल योर एग्जामिनेशन. मेंटी पे क्विज भी करने वाले हैं. जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम मेंटी क्विज का यूज करते हैं क्विज कंडक्ट कराने के लिए एंड लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिविजन भी करते रहेंगे. सो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट. सो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एंड प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से आज ट्रिकी होने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट वन क्या कहता है? द कॉन्टेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. क्या आप डिलीवर कर रहे हैं, क्या आपका कंटेंट है एंड आपकी स्टाइल ऑफ डिलीवरी. सो आई पर्सनली बिलीव कि हर टीचर का एक अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का एंड हो सकता है कि कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता हो बट आपको उसकी पढ़ाने की स्टाइल ना पसंद आती हो. सो कॉन्टेंट एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन और एनी काइंड ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. सो क्या हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है? द कॉन्टेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रिडिक्टर वेरिएबल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. प्रिडिक्टर वेरिएबल का क्या मतलब है? दे प्रिडिक्ट कि अगर कंटेंट अच्छा है, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी है, ऐसी है जो सबको समझ में आती है. फॉर इंस्टेंस आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में चीजों को बोलूं ताकि मेजोरिटी ऑडियंस उन चीजों को समझ पाए. सो अगर ऐसा है सो कंटेंट एंड स्टाइल आर गोइंग टू बी एक्ट एज प्रिडिक्टर वेरिएबल फॉर योर इफेक्टिव टीचिंग. तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गिवन है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज A good and communicative teacher evokes relatively less questions from the students. मतलब जो टीचर ज्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, ज्यादा कम्युनिकेटिव होता है स्टूडेंट्स के साथ, उसकी ये कोशिश होती है कि कम से कम क्वेश्चंस पूछे जाएं या फिर स्टूडेंट्स कम से कम क्वेश्चन पूछे. तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने. आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी समझाने वाला है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बता दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आपको ऑप्शंस क्लियरली दिख जाए. सो दीज आर द ऑप्शंस. बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू. बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. पहला स्टेटमेंट सही है बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. और इज इट डी? स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज. तो ये आपके पास चारों ऑप्शंस हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना शुरू कर दिया होगा. आई कुड सी अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग अप. तो दोबारा से एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं. ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो गया बिकॉज अगर आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छी है, अगर कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प यू डू इफेक्टिव टीचिंग. लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट. फॉर द रीजन बीइंग जो टीचर कम्युनिकेटिव होता है उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करें. दे शुड कम फॉरवर्ड एंड आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन. जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो चैट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिए. बाद में कमेंट भी कर सकते हैं. उसके बाद भी कुछ नहीं क्लियर है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकें. तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ गया दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्ड. दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. आई होप कि आप सब लोगों ने भी यही आंसर दिया होगा. एज आई कुड सी मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने यही आंसर दिया है. वेरी गुड गोइंग. सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे? इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. Announcement of arrival and departure of trains at railway station is dash. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. हम अपनी रोज डेली लाइफ में जब भी हम स्टेशन पे जाते हैं तो हम देखते हैं
कि एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती रहती है कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन. तो हमें बताना है दिस इज अ एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है. आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, हमने इसको डिटेल में पहले भी कवर किया हुआ है. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही जवाब दे पाएंगे. सो दीज आर द फोर ऑप्शन. इज इट फर्स्ट स्पेशियल कम्युनिकेशन, इज इट सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इज इट थर्ड पब्लिक कम्युनिकेशन और इज इट फोर्थ सेक्शनल कम्युनिकेशन. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे टर्म्स के बारे में पता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए. स्टिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज टर्म्स, सो डोंट वरी. अगर आपको नहीं अब पता है तो अभी क्लियर हो जाएगा ये सारे टर्म्स. वंडरफुल. सो काफी सारे स्टूडेंट ने बहुत जल्दी आंसर देना शुरू कर दिया बिकॉज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए स्पेशियल कम्युनिकेशन क्या है. स्पेशियल कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू स्पेस. हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट द स्पेस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस द काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही होल्ड्स. एक टर्म भी दिया था जेनेरिक टर्म दैट इज प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिटी से आता है. फॉर इंस्टेंस जब आप अपने ऑफिस के लोगों से बात करते हैं तो आप थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होते हैं. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो थोड़ा सा आप क्लोज डिस्टेंस पे खड़े होते हैं. एंड अगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स या फिर बिल्कुल क्लोज पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ आपका बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप है तो स्पेस ऑटोमेटिकली और रिड्यूस हो जाती है. सो दैट इज वॉट स्पेशल कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट. प्रॉक्सिमिक्स या फिर प्रॉक्सिमिटी बेस्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसे. सेकेंड इज योर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होती है दैट इज चाहे आप लेटर्स के फॉर्म में कह लीजिए, मेमो के फॉर्म में कह लीजिए, इट्स वेरी फॉर्मल इन नेचर. चीजें मोस्टली रिटन फॉर्म में होती हैं. ओरल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है ताकि कोई भी बात में इशू ना हो. थर्ड इज पब्लिक कम्युनिकेशन विच इज अवेलेबल टू ऑल. कोशिश यही है ज्यादा से ज्यादा लोग जो स्टेशन पे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो सुन रहे हैं उन तक ये सारी बातें पहुंच सके एंड दैट इज पब्लिक कम्युनिकेशन. The fourth one is sectional communication. दो इसको आप किसी भी dimension में ले जा सकते हैं. किसी एक पर्टिकुलर section को, किसी एक पर्टिकुलर community को target करने की कोशिश की जा रही है in order to communicate something specific. So these are the four options. I don't think so. कोई भी इसमें मुश्किल वाला सवाल है. I'm sure आप इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे. Wonderful. So काफी सारे answers हमारे पास third के लिए आ रहे हैं. Public communication. And public communication is absolutely correct. Because कोई restriction नहीं है. जो भी announcement हो रही है कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, common public तक, common audience तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. And therefore third is absolutely correct. Let's move to the next question. दोबारा बता दूं अगर आपको कोई भी doubt है please chat box में comment करके पूछ लीजिएगा. I'm there sitting to take up all your doubts there. Third question देख लेते हैं. Factors that contribute for effective classroom communication. बहुत ही आसान क्वेश्चन. मैं इसको बहुत इजी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमें ऑलमोस्ट अब सारे फैक्टर्स पता हैं जो क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, एक बार फैक्टर्स देख लेते हैं पहले. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी आपको. सेकेंड यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स जिसे हम सिमेंटिक बैरियर में भी काउंट करते हैं. एक टर्म देते थे वहां पे हम दैट इज टेक्निकल जार्गन, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है which is unknown to a majority of people. तो हो सकता है कि मैं अभी आऊं कुछ ऐसी terminologies के बारे में बात करने लगूं जिससे आप familiar नहीं है. It will become very difficult for you to understand those things. तो technical jargon या फिर unfamiliar words avoid करने चाहिए. Third is balanced flow of words. For instance मैं कोशिश करता हूं, पता नहीं achieve हो पाता है कि नहीं, कि एक balance रख सकूं between English as well as Hindi because both kind of students are there with us listening to us in this live session. फोर्थ सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेज. सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेज का क्या मतलब होता है दैट एट द एंड वंस यू हैव कम्युनिकेटेड द थिंग्स यू आस्क योर ऑडियंस दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. एक फीडबैक लेने की जरूरत होती है. इसीलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई मैं डिफिकल्ट कंसेप्ट समझाता हूं तो आई आस्क इन द चैट बॉक्स दैट वेदर इट इज क्लियर और नॉट, प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिए. दैट इज द होल आइडिया ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड टेकिंग योर फीडबैक ताकि ये पता चल सके कि आपको चीजें समझ में आई हैं या फिर नहीं. सो दैट इज द होल आइडियोलॉजी. फिफ्थ और ई मैकेनिज्म टू असेस द फीडबैक. फीडबैक को मेजर करना, जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर जो भी आपका फीडबैक है वो अगर आप मुझे कॉमेंट करके बताते रहेंगे सो आई मेक श्योर कि मैं उन चीजों पर वर्क करूं एंड आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दे सकूं. So these are the five factors. I don't think so. कोई भी इसमें problem होगी. You can very well identify and मैं देख सकता हूँ बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास answers आ रहे हैं. So these are the options. Majority answers जो मेरे पास आ रहे हैं they are coming for fourth. Fourth के लिए सबसे ज्यादा लोग answer कर रहे हैं. Anmol is there. Pratik is there. Majority answers four के लिए आ रहे हैं. That is C, D, E. एक बार देख लेते हैं. Information overload तो obviously problem create करेगा.
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं आपको तो कुछ चीजें आप भूल जाएंगे. सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव. यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड, अभी हमने बात करी है, टेक्निकल जार्गन अवॉइड करना है हमें. सी बैलेंस फ्लो ऑफ वर्ड, इट इज गोइंग टू मेक इट इफेक्टिव. सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस, फीडबैक एंड द मैकेनिज्म टू असेस द फीडबैक. फीडबैक को भी असेस करना जरूरी है दैट वेदर दे आर जेन्युइन और दे आर नॉट. सो दीज आर द ऑप्शन, दीज आर द फैक्टर्स एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ, दैट इज सी डी एंड ई. सो ऑल ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स आर गोइंग टू मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. I hope this is clear. Wonderful. So I've got the thumbs up as well. Let's move to the next question. Next question पे चलते हैं. इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं एंड आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि जो लिंक है इस वीडियो का उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. उस पर 9:30 AM मंडे टू फ्राइडे एक क्विज कंडक्ट कराई जाती है. That is for your preparation, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके. It is for both paper 1 and paper 2 commerce and management. साथ साथ जो भी अपडेट्स आती है, चाहे वो नेट से रिलेटेड आए, पीएचडी से रिलेटेड आए या फिर कोई भी हमारे सेशंस हैं जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसके भी जो लिंक्स होते हैं वो इस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए जाते हैं. आपके भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं. आई वेट फॉर द अदर स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ती रहे एंड इफ दे आर नॉट एबल टू आंसर देन आई डू स्टेप इन एंड रिजॉल्व दोस क्वेरीज. तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following can be the major communication barriers to online teaching? Please, एक एक keywords को mark कर लीजिएगा पढ़ते time and अपनी आदत ऐसे बना लीजिए कि जब आप exam में भी आपको ये questions मिलते हैं screen पे तो आप उन keywords को identify कर सके, because इन keywords की वजह से आपके answers बदल जाएंगे. So आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे major communication barriers हैं online teaching के case में. So हमारे पास कुछ options given हैं. Let us have a look at them. A technology, बी लीगैलिटीज, दैट इज लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात हो रही है. थर्ड स्टूडेंट कम्युनिटी, कोई स्टूडेंट कम्युनिटी बनी हुई है. डी कल्चर ऑफ द इंडिविजुअल एंड ई जेंडर, किस टाइप का जेंडर है आपका. दीज आर द फाइव फैक्टर्स गिवन, आपको बताना है कि कौन सा मेजर कम्युनिकेशन बैरियर एक्ट करता है. यहां पर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा. कई बार हो सकता है कि जब ऐसे चार पांच फैक्टर्स गिवन हो तो कुछ फैक्टर्स की रैशनल या फिर रीजन आपको बिहाइंड द सीन्स बैक ऑफ द माइंड नहीं समझ में आए. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड देन आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैं ध्यान से देखूं एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ध्यान से तो आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बात की गई है. तो सिंस ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बात की गई है तो टेक्नोलॉजी तो 100% एक फैक्टर होने ही वाला है बैरियर के लिए, बिकॉज कई बार नेटवर्क इशू आ जाते हैं, कई बार इंटरनेट इशू आ जाते हैं, कई बार स्पीकर या फिर माइक नहीं चलता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्ट एज सम ऑफ द अदर बैरियर. तो ए आंसर तो होना ही चाहिए. अब एक बार जरा ऑप्शन देखिए, अगर आप क्लियरली ऑप्शन देख पा रहे हैं तो आप थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ए इज नॉट देयर. ए नहीं होना चाहिए, ये हमें पता चल गया कि अगर ए नहीं है तो थर्ड एंड फोर्थ तो आंसर नहीं हो सकता. Now you are left with just two options. एक में है A, B, C और एक में है A, D, E. अब एक बार इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं. So what I know for sure, 100% मुझे श्योरिटी है कि कल्चर इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एज अ बैरियर. बिकॉज कल्चर की वजह से क्या होता है, लेट अस से देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्स वाई जेड कम्युनिटी, दे बिलोंग टू सर्टेन रीजन, हो सकता है कि उनको इंग्लिश ना समझ में आती हो. देन देयर वुड बी सम काइंड ऑफ स्टूडेंट जिनको हिंदी ना समझ में आती हो, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा वेल वर्स्ड हो. सो आई नो दैट कल्चर इज अगेन गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ बैरियर, बिकॉज अगर मैं उनके लोकल एरिया में होता, ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहा होता तो हो सकता है कि मैं उनकी लोकल लैंग्वेज में उन्हें एक्सप्लेन कर देता जो उन्हें समझ में आ जाए. सो अगेन कल्चर इज गोइंग टू एक्ट एज अ बैरियर. सो डी भी मेरा ऑप्शन होना चाहिए. नाउ इफ आई लुक एट, आई क्लियरली गेट टू नो दैट सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसमें ए ऑप्शन भी है, उसमें डी ऑप्शन भी है. नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर क्वेश्चन में यही अप्रोच यूज करिए, बट दिस सर्टेनली कैन हेल्प यू बी श्योर ऑफ एन आंसर एज वेल एज इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर टाइम, बिकॉज कम टाइम में रहता है पेपर के लिए. 50 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, सॉरी 60 मिनट के अंदर क्वेश्चंस करने होते हैं 50 पेपर वन के. ये टारगेट लेके चलते हैं हम पेपर वन सॉल्व करने के लिए. तो जितने कम टाइम आप लेंगे, जितना अपना टाइम बचा लेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. So this is an approach that you can use. Now let me see what are the answers coming up. Wonderful. I think majority answers यही आ रहे हैं because सबने यही approach use करी है. Wonderful. So this is the correct answer. ये हमारा सही answer हो गया. I hope this is clear. Let's move to the last question. Last question देखते हैं आज का.
The communication process is active and interactive. Active communication भी है and interactive भी है at a very high level in which of the following level of teaching. अब देखिए किस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन का अमलगमेशन किया गया है इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने में. तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इस तरीके से ओवरलैपिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना जरूरी है, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ टीचिंग. जब तक आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं पता है आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर नेवर रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि नहीं एक ही सेक्शन तैयार करना है. ऑलवेज ट्राई टू कवर एज मेनी सेक्शंस एज पॉसिबल एंड लिंकेज बनाने की कोशिश करिए कि कौन सा सेक्शन दूसरे सेक्शन से लिंकेज बनाता है. कई बार आपको टीचिंग एंड कम्युनिकेशन के टॉपिक्स इंटरचेंजेबली यूज किए हुए मिलेंगे. सिमिलरली कई बार टीचिंग एंड हायर एजुकेशन टॉपिक भी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. सो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. हमारे पास क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और इज इट ऑटो डेवलपमेंट, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल. अब चौथा आंसर तो हमें पता है, चौथा ऑप्शन दैट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट क्या होता है, जब खुद से डेवलपमेंट होता है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से जो भी आपको समझ में आ रहा है उससे डेवलपमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर बिकॉज लेवल ऑफ टीचिंग के फॉर्म में बताना है एंड दीज थ्री आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग. तो जब तक आप मुझे कॉमेंट करके आंसर बता रहे हैं लेट मी जस्ट गो बैक एंड शो यू दैट व्हाट आर दीज थ्री लेवल्स एंड इनको एक बार पढ़ लेते हैं हम ठीक से. सो मेजरली हमारे पास तीन लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं. दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग. द वेरी फर्स्ट वन इज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जिसे हम इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटरी लेवल भी कहते हैं. तो जब आप बहुत छोटी क्लास में थे, लेट अस से यू आर इन समवेयर अराउंड क्लास 1 or 2, उस टाइम पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे या फिर कंसेप्चुअल नॉलेज पे फोकस नहीं होता था. चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके टीचर्स हो, वो मेजरली आपको चीजें याद कराने पे फोकस करते थे. दैट लर्न दीज आंसर्स, टेबल लर्न कर लीजिए, आंसर्स याद कर लीजिए जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं. सो दैट इज वेर यू यूज मेमोरी लेवल, जहां पे इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस होता है, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होता. द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग सबसे पहले. सेकेंड इज एक बार आपको चीजें याद रहने लग गई, यू स्टार्टेड रिमेंबरिंग टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल आपको ये टर्म याद हो गया दैट कॉग्निटिव डेजोनेंस इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू लेट अस से मार्केटिंग. मार्केटिंग से ही रिलेटेड है कॉग्निटिव डेजोनेंस, बस किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर लिया जाता है इंटरचेंजेबली. सो प्राइमरली कॉग्निटिव डेजोनेंस इज अ टर्म यूज्ड इन मार्केटिंग. अब फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आपको ये याद आ रहा है कहीं ना कहीं कि कॉग्निटिव डेजोनेंस मार्केटिंग से रिलेटेड है. नाउ यू मूव टू द सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग वेर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, वॉट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस. तो ये आपका सेकेंड लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, दैट इज कॉग्निटिव डेजोनेंस वेर यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. थर्ड क्या है, द हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री लेवल्स एंड दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अब आपको कंसेप्ट पता भी है, यू रिमेंबर द कंसेप्ट एज वेल. नाउ अब वो आपकी बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है. हो सकता है कि आप खुद के बिहेवियर में देख रहे हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड्स के, फैमिली मेंबर्स के या फिर रिलेटिव्स के बिहेवियर में देख रहे हो. जस्ट रिमाइंड करा देता हूं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कॉग्निटिव डेजोनेंस इज अ बिहेवियर जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं बट कंज्यूम नहीं करते हैं. सो आफ्टर परचेजिंग बट बिफोर द कंजम्पशन, बिफोर द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी प्रोडक्ट लेके, बेटर प्रोडक्ट ले सकता था, दूसरा प्रोडक्ट ले सकता था, फीचर्स ठीक है नहीं है. तो बीच में जो काइंड ऑफ कंफ्यूजन बना रहता है दैट इज नोन एज कॉग्निटिव डिसोनेंस. ओके, सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कॉग्निटिव डिसोनेंस वेयर देयर इज अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन. सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग जहां पे मेमोरी सबसे पहले इंफॉर्मेशन पे फोकस होता है, देन योर अंडरस्टैंडिंग एंड फाइनली आपके बिहेवियर में वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं या आप दूसरे के बिहेवियर में वो सारी चीजें नोटिस या फिर ऑब्जर्व करने लगते हैं. सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग. आई होप दिस इज क्लियर. अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ लीजिए. नाउ लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. ध्यान रखिएगा वेरी हाई लेवल पूछा गया है एंड एक्टिव एंड इंटरैक्टिव भी पूछा गया है. सो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. I can see a lot of answers are coming for reflective level and reflective level is absolutely correct because highest level of teaching है, interaction इस level पे पहुंच जाता है कि आपको दूसरे को बताने की जरूरत नहीं होती. You start observing. आप observe करने रहते हैं, interact करके behavior को समझने लगते हैं या फिर understand करने लगते हैं. So therefore first or A that is reflective level of teaching is going to be the correct answer. I could see majority लोगों ने वही answer दिया है. Good going everyone.
ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो, आपका अच्छा रिविजन हुआ होगा, या फिर अगर कुछ कंसेप्ट थे जो आपको नए क्लियर थे तो वो भी यहां पे क्लियर हो गए होंगे। प्लीज मुझे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, दैट व्हाट हैज बीन योर स्कोर। और भी कोई फीडबैक है मेरे लिए तो प्लीज उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद सच काइंड ऑफ लाइव सेशंस ताकि आपके अच्छे से रिवीजन होते रहे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।